नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें, घोसी की बात करें तो जहां 29वें राउंड में 50,000 के करीब वोटों से आगे हो चुके हैं सुधाकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगा तगड़ा झटका। बड़ी खबर निकल के आई है जहां जीत का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह। भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान की करारी हार हो रही है और करारी शिकस्त की ओर हैं। 49,000 वोटों से जो है वो आगे हैं। 29वें राउंड में सुधाकर सिंह 49,000 वोट से आगे हैं। सपा के सुधाकर सिंह ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की करारी शिकस्त हो रही है। घोसी उपचुनाव में सपा जो है वो जीतती तो बढ़ रही है, इससे एक बात क्लियर है। अखिलेश यादव टीम इंडिया के साथ जुड़े उनका फायदा हुआ, कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी था। इस बीच शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान निकल के आया और शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, घोसी में विजय है, घोसी में विजय हुई है। तो ये चीज़ें जो है वो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, आज जिस तरीके का ये परिणाम आ रहा है, इसके बाद से अब पूरी तरीके से भाजपाई जो है वो तिलमिलाए हुए हैं। अगर हम घोसी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में जश्न है, जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। शिवपाल सिंह ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव के साथ अपनी ये तस्वीर पोस्ट की है। ये तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और इस जीत के बाद शिवपाल की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि शिवपाल यादव ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला था, अखिलेश यादव तो ज़्यादा नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जो है वो बड़े पैमाने पर अपना जो है वो जाहिर थे। ऐसे में ये तगड़ा झटका झटके की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव। अहिरे का इतिहास उनका बाप दादा ना कोई पुस्तक पढ़े कि अहिर कहां से हवा का कहले हवा, पहले अहिरे का इतिहास पढ़ा तब अंगूरी उठाने कोशिश करा। अरे कहत हैं जेकर लाठी हुई कि भाई सिस्टम गई लठिया हमें लगे भाई सुन के रही समाज ने बिगड़ भाई दुली है तमाई ऊपर का से बिगड़ भाई दुली है बिगड़ गए अमर का पर तक रोक लिया ओके अहिर रोकी आ केतनो छनकर गए भाई सो के दुही लई 100 ग्राम दूध दिया तो दुही लई ओम प्रकाश के दुही दे लई ना चाचा लाठी का लिए हुए अपने सुरक्षा खातिर जनता या देश के सुरक्षा खातिर लाठी लेने लठिया से उत्पत्ति है। लाठी ना रहे तो खतरा में आप पड़ जाइबा, कुकुर काट दे बिलार काट दे आ बड़ा कुकुर है चुनावा में ऊपर आयल बड़ा उल्टा सीधा बोल का बोला तो एक बार फिर बोला तो ये कुकुर के जन आवत तो बोलत हो उनके सुधियावले के इलाज ही है। मान लीजिए बबा के सियार काटे आए तो लकड़ा ना काट के मुआ दे आ जब इधर इधर छोटा पाई तो खुद खत्म हो जाए। ये दवाई हर रोग का दवाई लाठी है, जने वाला लठिया व्यक्तिगत शरीर की मजबूती है, समाज की मजबूती है, पूरे संसार की मजबूती है। और सुधाकर सिंह की तरफ जा रहा राजभर ओपी राजभर ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने सुर्खियों में चल रहे हैं अपने सवालों और जवाबों को लेकर। वो कह रहे हैं कि अब की बार जो है घोसी की जनता दिखा देगी कि कल क्या होने वाला है और सबकी छुट्टी हो जाएगी। अरे अब उनके दिमागे का इलाज हुई उनके बढ़िया एम्स सेशन अस्पताल में जाकर उनके हाई चाहता हूँ बीमारी धरे लेवा दिमाग में चक्कर हो तो कोमा में जाए वाला हूँ 12 बजे के बाद खुद उनके खुद न ओम प्रकाश राजभर न माननी हमारे दारा भाई न एक को घर छोड़ा न दरवाजा न एक को हिंदुस्तान का दल छोड़ा। आ मोदी आदरणीय हमारे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी जैसे महान नेता, मान्य सोनिया गांधी जी, बहन मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव, सबको जो धोखा दिया है वो बड़ा हिंदुस्तान का बहुत पापी हो गया है, घड़ा भर गया है। 12 बजे घड़ा फटेगा, आई दोनों कोमा में चले जाएंगे, अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जो पाली में हम रहते हैं वही पाली जीतती है, जिसके मैदान में हम वहीं के मैदान फटे। हम जाना थे उनका बुद्धि यही जैसे भ्रष्ट भले कि उनके जन्मले से पहले से सृष्टि आदेश चला था बाद में लाइसेंस लेके आल मका कौन उनके लाइसेंस मिला हा? आप अपन उनके बुद्धि की बात करें थे, लेकिन वो आपके बुद्धि की बात करें तो कहते हैं हिरण के बुद्धि 12 बजे खुलेला और 12 बजे कल छुट्टी हो जाए। अच्छा सवाल बहुत है। देखिए, बड़ा नेता राष्ट्रीय नेता किसी जात विशेष पर टिप्पणी नहीं करता है। अब उस बेचारे की दुकान फंस गई है, अब वो परिवार बात बोल रहा है तो कहीं जात बात बोल रहा है तो कहीं दोगला असली बोल रहा है, ठीक है बोला है ना। अब बताइए जो खुदा अपने को असल दोगला बनता है, कहता है जो फाला कोट करेगा वो बेटी के संगे घात करेगा, तो ऐसा ने पगले नेता का हम जवाब दही, ऐसा ने पगले का हम जवाब दही। जो बेटी बहन जात बिरादर केहू का ना हो, कोनो दल के नेता का ना हो, वो बिना पेना को बिना गार के जहरी भइल बा, लोटा भइल बा, ओकर जवाब देले तो हमारे का सामान घट जाई। ये सब बिना सो का दुकान बंद हो के जानते हैं कारण बाबू, कारण ये है कि जब गइल सपा में तो हमारे महान नेता मोदी जी का जोगी जी के कहल है, हम ना कहते हैं उहे भर बाबू कहले कि इनके धोकरी पहना के आ गोरखपुर मठे में भेज के आ भीख मंगवा के ना दम लेने तो प्रकार वो कर देखो बतिया ना कि सही हो काहे लाठी वठी लेके धरत ए भाई उ ललका रह तो तनि माला बहुत लोग ऊपर आइल बा आ का जन खतरा तरा आवे तो दहिया में दम ले तो आरब ना लाठी सुरक्षा ना होले। कहा थे कि जितने हरजन के वोट है और दलित लोगों का वोट है सब राजभर के साथ बह रहा है और राजभर के साथ कल जो है वो भी सिस्टम बना देगा, सबकी छुट्टी हो जाएगी। ये बहुत बुरबक हुआ, सबका माई बहन बेटी आ संविधान का ज्ञान ना सब के गरियावत हुआ, फिर कवरा खाती दौलत का बढ़िया नेता हो तो अपने घर रहो उनके खुद जनता खोजी
भीख मंगिया तो खुदा करता कहीं बाबा से भीख मंगा होता कहीं आदरणीय अखिलेश जी के सभी भेजा था असल बाप रे तो अरे वो अपने खुद है नसल का पता लगा कि मोर असल की दोगला अब यान 12 बजे बाद फैसला जे के दोगला हो का बाबा यान 12 बजे बाद फैसला हुई हां का नाम हुआ आपका काम कर यादव मला अच्छा तो कल का हुई फिर केकरे कहती जाबा वोट दे केकरे कहती वोट देबा कमल पे या फिर साइकिल पर साइकिल पर कहां का काका हुई कल साइकिल या कमल साइकिल बाबा यार साइकिल 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 तो साइकिल चली फिर चली की साइकिल सुधा करके ई चुनाव पार्टी ना लड़ते पहले भैया एकदम साफ साफ सुन ला हमारे भैया ना ई यहां चुनाव ना भाजपा का होता आना सभा का चुनाव होता साफ साफ चुनाव सुधाकर सिंह भाई दारा चौहान का होता घर बनाम बाहरी होता यहाँ का चुनाव जनता नौजवान किसान बेरोजगार माई बहन बेटी हर जात हर धर्म के लोग सुधाकर और साइकिल निशान बन के चुनाव लड़ा था ये लिए सुधाकर का क्यों ना यहाँ नहीं चल दे बाबू जहाँ जहाँ जाए पूछ नहीं अब धरती का लाल सुधाकर सिंह कल वोट पड़ेगा 8 तारीख को शपथ लेने लखनऊ जाएगा काहे से कि पाप करने वाला का समर्थन करने वाला पापी से भी बड़ा पापी होता है और उसका उत्तर देने वाला जैसे धोखा देने वाले को धोखा दिया जाए तो पुण्य है और जो कमल के फूल की बटन दबाएगा वो पाप का यंत्र खाएगा पाप का उंगली का बटन दबाएगा और जो साइकिल ही दबाएगा वो धन्य है वह पुण्य का मालिक होगा 26 बरस 16 महीना में कोई एक भी मानी दारा सिंह चौहान का कहीं निशान होता हूँ बता दीजिए चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं सब एक थाली में इकट्ठे हो गए हैं जितने चट्टे बट्टे थे अच्छा तो सृष्टि एक के खून से हो सृष्टि एक के खून से हो खानदानी रामो का खानदान वाला परिवार रहा शंकरो भगवान का खानदान परिवार है श्री कृष्ण भगवान का खानदान परिवार है अब बताए तो उन्होंने उनका संतान पूरा हिंदुस्तान है मनुवादी ने जात व्यवस्था बनौना जन्माऊत पैदाइश मुंह नाक सब व्यवस्था खायल पैदल एक हमन की यह क्रिया लगा के जनवे मारे नौ आज ले बताई हम खेत में धान ना रोपब तर मारो हमारे घर पहुंचा दी मंदिर में खाना भेज दी अरे मंदिर में तो दाढ़ी बढ़ा के डाकू बैठल हम अभी अयोध्या में 20,000 करोड़ खैना था पूरा जसवा का टैक्सवा बटोर के भेज देना विदेश में पूंजीपति के हाथ है हम लोन लेते हैं तो रोज हमारे खेत बा ये दादा वो सर रुपया लेके कौने बैंक से कौने जहाज से पानी के जहाज से के हवाई जहाज से चल गए ना ये बताइए जनता देखा ना कुछ धोखा का खेला इसलिए पूरे हिंदुस्तान में मैं आपके चैनल को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि जनता भावुक होले 15 लाख रुपया के चक्कर में अपने देह का चमड़ी उतारे के भारत का जनता तैयार हो गई दो बार भाजपा का सरकार पूर्ण बहुमत का बना दिया जबकि सत्य है संविधान में कि सत्ता पक्ष का विपक्ष आईना होता है दर्पण होता है और विपक्ष के चेहरा में चेहरा मिला के जो सरकार कार्य करती है नीत बनाती है वो अच्छी सरकार कहलाती है और जो दादागिरी से गुंडागिरी से कानून लागू करती है वो सरकार अच्छी नहीं कहलाती है। कहते हैं कि जिसका नमक खाएंगे साहब उसको जरूर ध्यान देंगे नमक भी खिलाई तेल भी खिलाई चना भी खिलाई मटर भी खिलाई दम 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 राशन पहुंचाई है का कहेंगे तो 10 बरस में जनता जान गई है कि नूने का हिसाब ले तो हमारे लड़का के किताबी का दाम कहाँ पहुंचा दे फीस तब की उनके खाई उनका आचार ले पैसा ले कुल ले और उनके जवाब दे कारण या 5 किलो अनाज देते हैं अखिलेश यादव जी हर बच्चों को 500 देते थे 12 बजे 60 बेरोजगारी भत्ता देते थे वो दाम जोड़ लीजिए विद्या कन्या धन देते थे उसको जोड़िए धन है धरती पुत्र मुलायम सिंह और धन है अखिलेश जी जो यगड़ा पिछड़ा दलित शोषित पीड़ित सारी बच्चियों का हौसला बढ़ाया और पूरा एकदम फीस माफ कर दिए चाहे किसी भी इंजीनियरिंग आईटीआई पास डिग्री से लेकर पीएचडी तक ऐसा बिरले धरती पर पैदा नेता होते हैं और सारी बेटियां साइकिल पाती थी और स्कॉलरशिप पाती थी यहाँ बड़े जात के लोग बैठे हैं अब हमारे भाई हैं जनक कोई लड़का वो जीवा पा रहा है 3,000 में बहुत है का 500 में तो भुलवा के 50,000 मारो ले लिया आधी रही लेकर मौसी के नाता नहीं भाई देश के रसातल में पहुंचा देना मैंने आंख भी आओ तुम का बाबू तुम्हें हम बताएं अरे दादा अब वह कहावत है भोजपुरिया में जो मैंने आप कह लिया ठगे ठग मौसी आओ भाई हो ना हिंदुस्तान सब पार्टी चले के चाहिए ना तो का लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री उन्होंने कह दबका की बेईमान रहा हमारे माटी का चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री सोना बंधक रख के दे चलो फिर सोना छोड़ा के उन्होंने कह दो बेईमान हो का देश बढ़ रहा है देश हमारे कमाई से बढ़ा था क्योंकि कुर्सी में बैठ के मलाई खाई से बढ़ा था खून पसीना भाव नहीं जा तरकारी का भाव बढ़ा देना दाली का भाव बढ़ा देना कड़ुआ तेल बढ़ा देना अब तो नूनो रोटी खाल मुहाल भैल बा नून रोटी खा मुहाल भैल बा कि देश बढ़त बा अरे भाई ऐसा ना कि मुहाल तो भैले है देश और मैं दूरा तना है सही मा सही बात अच्छा पहला बात कि मोदी जी ने जो है सब कुछ महंगा कर दिए किसान जो है बेचारे सब परेशान अरे किसान के 2,000 रुपया जेब में घम आवत है परेशान है कहां नहीं कुछ सुनिए भैया जी वो जो 2,000 रुपया जो मिल रही है वो आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं किसानों को किसान हो ही से खुद करके मुझ करके किसान ही का धन किसान को दे रहे हैं तो मोदी जी हुए हैं समझे आप ना तो चाचा कल घोसी में चुनाव बा और केकरे तरफ चलत बा माहौल मैं तो सुधाकर सिंह के साथ हूँ और साइकिल निशानी हमारी है और हमारा नाम मुखराम यादव ग्राम भिलौर चंगेरी थाना घोषित जिला मऊ यादव जी यादवन के तो ललकार दे हैं राजभर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सिस्टम बदल जाए कल 12 बजे छुट्टी वहाँ जाई हम वहाँ जाए कि नहीं हम लोग को क्यों भाई हम लोग तो शहर माने हो भाई जरूर नहीं जाएगा ऐसा बात नहीं है ललकारा था कहे वो ललकारा था हाँ सर कहे ललकारा था राज ओम प्रकाश हाँ मैं ललकार कहाँ बेवा था कि ललकार के आ जाइए नहीं
उन तो 12 बजे खाते कलम भाई आई बुद्धि खुले बात उनका खोजा खोली जाए बुद्धि हां 12 बजे कलम भाई आई कि नहीं वो बेमरे ब्रेन है मेरे जो मरीज हो गए लोग अब उनका जवाब हम ना दे भाई आयत के बाद मजगर से दिया जाए जौने भाषा में बोलियो वो भाषा में उत्तर दिया जाए वे तो कबूतर ना हिंदुस्तान में आयल हवा यहां एक से एक शेर एक से एक नेता एक से एक विद्वान हवा। नमस्कार मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं द गंगा टीवी। घोसी के उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है लेकिन यानी कि लोगों की चर्चाएं और घोसी का चुनाव अभी भी सरगर्मी पर अपने चरम पर है। वैसे में तमाम जो है नेताओं के तमाम जैसे ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं खासतौर पे समाजवादी पार्टी के समर्थकों में। ऐसे में जिस तरीके से वो बयान देते हैं और अपने बयानों को लेकर परमानेंट चर्चे में रहते हैं और उसका माहौल क्या है? सबसे पहले क्या नाम हो भैया? प्रदीप यादव। यादव जी घोसी का माहौल क्या है? बहुत गर्म है। गर्म है। क्या होके वाला है जो है कल चुनाव पड़ेगा तो क्या होके वाला है? सुधाकर सिंह जीतेंगे। सुधाकर सिंह जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है भैया और कल 12 बजे छुट्टी भी हो जाएगी। उनकी बुद्धि खुद खत्म नहीं काम कर रहे थे क्या कहेंगे बेचारे? उनकी बुद्धि खुद काम नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे? काम नहीं कर रही है, फेल हो चुके हैं। कब यहाँ कभी यहाँ कब बदल दोपहरिया कहीं कौरी या साझी कहीं या 12 बजे कहीं कौन उनको बुद्धि काम कर पाई? जनता जवाब देगी, एकदम जवाब दे देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। ये देखिए भाई साहब पहले दिखाइए बकायदा लाठी उठी लेके बैठे हुए हैं चाचा चाचा। घोसी में उपचुनाव हो खेला कल चुनाव के एकदम लास्ट और कल ही मतदान हो खेला। अब ये बतावा कि कल जो है जनता का आदेश बाद जनता किस ओर बहेला? ये भैया ऐसा बात बताओ थे आपके तनी हमार लड़बक आदमी है लड़बक माने कमार तनी हमसे धीरे धीरे पूछल सवाल जवन हमारे समझ में आई कोशिश करो अच्छी भाषा में आपके जवाब दें जो सवाल पूछ लेते हैं और पूछ नहीं। जनता का आदेश क्या है, जनता चाहती क्या है? कल जनता का जो आदेश है आप पूरे विधानसभा में गली गली में हर जगह आप लोग घूमे हैं जनता के आदेश को भली बात जान गए हैं। जितना वोट से हमारे माननीय पूर्व मंत्री प्रत्याशी महोदय जी जीते थे अब की उतना ही पूंजी उनकी होने जा रही उतना वोटवा पाएंगे 25-30 हजार। अच्छा ये बताइए और सुधाकर सिंह की तरफ जा रहा राजभर ओपी राजभर ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी को आदरणीय जोगी जी को एक तीर से दो निशाना ये दोनों पर बोले वालन के एक के त्रिया से मारा तुम्हारा घोसी गाजीपुर में गिर जाइए सर एक साथ है दोनों का काउंटर हुई रामचंद्र के धनुष और बाण से आई राजनीति से पतन हो जाइए न बोले लग रही न कमाए लग रही न टिकट बेचे लग रही खत्म हो जाए खत्म है आपका हर घड़ी हाड़ी काठे का हाड़ी चढ़ने की जर जाले भदेली में एगो चाऊ टोवल जाला तो पूरा भदेला का पता लग जाला कि भात हो गया। इतना बड़ा विधानसभा में आप लोग चाऊ टोवत हमें था ना बोले की सुधाकर लाखों वोट से ऊपर जा रहे हैं एक तरफा। ये देखे साहब घोसी की जनता हमारे साथ थी और बेबाक अंदाज में किस तरह से घोसी की जनता ने जवाब दिया इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन विजय साथ में अमित कुमार देख रहे हैं दंगा टीवी न्यूज़।